वेलकम टू ग्लैमबल टॉक्स। आज के कैप्टेंसी स्पेशल एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड देखने के बाद कल जो हमने बात कही थी कि मुनव्वर फारूकी क्यों इस लड़की आयशा के आसपास घूम रहा है, क्यों उसकी हर एक बातें मान रहा है, क्यों उसका हर एक टॉन्ट सुनकर ले रहा है, उसके लिए कल जो हमने बातें कही थी वो आज का एपिसोड बिल्कुल उस बात को प्रूव करता है। कल हमने बताया था कि मुनव्वर फारूकी के अंदर ये लड़की आयशा जो है वो एक जबरदस्ती का गिल्ट फील कर रही है कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मुनव्वर ने कोई पाप कर दिया, जबकि मुनव्वर ने कोई गलत काम नहीं किया इस लड़की आयशा के साथ में। इसको हर चीज़ पता था, इसके साथ ब्रेकअप हो चुका था, उसके बाद ये शो में आया है। सिर्फ 2 महीने तक बातचीत थी, इसको पता था नाजला के बारे में, नाजला के साथ ब्रेकअप हो चुका है, ये भी बात सही था। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके साथ भी इसने बातचीत बंद कर दी थी शो में आने के 1 हफ्ते पहले ही, जिसमें कि ये लड़की का खुद कहना है कि मैंने अपनी तरफ से भी बंद कर दिया था। और लड़की खुद कह रही है कि हम कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे, वी वर नॉट एक्चुअली डेटिंग। तो मुनव्वर कहीं से भी कोई गलत नहीं है। और अभिषेक कुमार ने आज बिल्कुल सही कहा कि भाई मुझे तो 1% भी तू कहीं से भी गलत नहीं लगता है तूने जो किया है। तो ये कन्फर्म है कि मुनव्वर ने 1% की भी कोई गलती नहीं की है। लेकिन इस लड़की ने मुनव्वर के अंदर में बार बार आज के एपिसोड ने एकदम प्रूव कर दिया कितनी बार इस लड़की ने टॉन्ट मारा मुनव्वर पे, कितनी बार उसने गुनाहों का पश्चाताप, पाप का पश्चाताप, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, माफ़ी, रिडेम्पशन, इस टाइप की चीज़ें जो बार बार वो बोल करके जितनी बार भी वो मुनव्वर के सामने आती है वो ऐसी ही बातें करती है। इससे क्या हो रहा है, इससे मुनव्वर के साइकोलॉजी में ये बैठ गया है कि उसने शायद दुनिया का कोई बहुत बड़ा पाप कर लिया है जिसके कारण उसको पश्चाताप करने की ज़रूरत है, और उसके कारण इस लड़की का हर एक कुछ सुनना है, इसका ख्याल रखना है, ताकि ये लड़की बोले कि जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। उसके बाद मुनव्वर को लगेगा कि मेरे सर से बोझ हटा, अब मैं फ्री हुआ हूँ। इस चक्कर में वो मुनव्वर जो है इस लड़की के आसपास में घूम रहा है, और ये लड़की उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है इन अ वे, और उसको ब्लैकमेल करके उसको अपने लिए फ़ायदा उठा रही है। ये बात आपको एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा कि आयशा जो है उसका कुछ भी अभी फीलिंग वीलिंग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फेम कमाने आई थी, जो ऑलरेडी उसमें सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके इंस्टाग्राम पे लगभग 1.5 मिलियन फॉलोअर एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं जब से वो शो में आई है। उसके अलावा उसने मुनव्वर फारूकी को एकदम अपना गुलाम बना के रखा है, एज इफ कि तुमने मेरा पाप किया है बहुत, तुमको अब मेरा पश्चाताप करने के लिए जैसे मैं कहूँगी वैसे करना पड़ेगा। और मुनव्वर के अंदर में भी ये फीलिंग आ गई है, बिग बॉस ने भी वो गिल्टी वर्ड को 3-4 बार रिपीट करके मुनव्वर के अंदर ये फीलिंग डाल दी है कि मुनव्वर को वही करना पड़ेगा जैसा ये लड़की कह रही है, क्योंकि मुनव्वर ने कुछ पाप कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। तो कल ये बात हमने आपको बताया था, और आज के एपिसोड देख के बार बार इस लड़की की आयशा की टॉन्टिंग को देख के बार बार रिमाइंड कराना मुनव्वर को कि एज इफ इसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस बात को सुन के देख के एकदम क्लियर हो जाता है कि यही रीज़न है कि मुनव्वर उसकी बातें सुन रहा है, क्योंकि मुनव्वर के अंदर में एक गिल्ट की फीलिंग जो है इस लड़की ने डाल दिया है। ये तो ही ओवरऑल एपिसोड की बात कि ओवरऑल एपिसोड से क्या हमें समझ में आया मुनव्वर और आयशा के मैटर का। लेकिन अब एपिसोड में जो जो जैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एपिसोड स्टार्ट होते ही आपने देखा कि कैसे जोकर जो है कोशिश कर रहा है कि आयशा को मुनव्वर के अगेंस्ट में भड़काए कि वो हिपोक्रिट है, ये है, वो है, उसको रिलेशंस की क्लैरिटी नहीं है। अरे जोकर, तुझे पता भी नहीं है जिस समय तू बोल रहा है उसके 2-3 घंटे के बाद से ये लड़की आयशा मुनव्वर की बीवी की तरह उसके चारों तरफ घूम रही है, उसका ख्याल रख रही है, उसके बाल काट रही है, उसके बाम लगा रही है, उसको मुनव्वर का खाना गर्म करके ला रही है, सब कुछ करते हुए अभी आपको कल के एपिसोड में दिखेगी, क्योंकि आज लाइव फीड में पूरे के पूरे टाइम वो मुनव्वर की वाइफ की तरह वो बिहेव कर रही थी, और उसका पूरा एक वाइफ की तरह ख्याल रखने का कोशिश कर रही थी। और वहाँ पे जोकर ने सोचा कि मैं इसको मुनव्वर के अगेंस्ट भड़का दूंगा, और वहाँ डायलॉग मारता है कि मैं तो 1-on-1 कन्फ्रंटेशन करने के मूड में हूँ, अब होगा तो मैं उससे कन्फ्रंटेशन करूँगा। भाई 10 हफ्ते बीत गए, 10 हफ्ते में मुनव्वर ने तेरी इतनी बार बैंड बजा दी, कल के नॉमिनेशन टास्क में भी तेरी बैंड बजा दी, उसके बाद तू कितना इंतजार करेगा, हिम्मत है नहीं फट्टू कि तू जाके उसके मुंह पे उसको कन्फ्रंट कर सके, जाके सामने से ही कन्फ्रंट कर ले, कन्फ्रंट करने का हिम्मत है तो, बस पीठ पीछे चुगलियाँ करता फिरेगा, इससे ज़्यादा जोकर की हैसियत नहीं है। वो पीठ पीछे जितना चुगली कर सकता है उतना करेगा, सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि दिमाग तो चलता नहीं है, मंद बुद्धि बालक बुद्धि आदमी है, सामने से कुछ भी ओके ओके उसके अलावा उसके मुँह से कुछ निकलता नहीं है जब कोई लॉजिकल सामने से काउंटर आता है तो। बिग बॉस ने भी आज लास्ट में उसकी बजा दी, कल नॉमिनेशंस में मुनव्वर ने बजाई, बिग बॉस ने बजाई,
मुंह से एक शब्द चूं तक नहीं निकलता उस वक्त इसके, लेकिन जब अपने से कोई कमजोर को देख लेता है, चाहे वो खानजादी हो या फिर मनाड़ा हो, तो उस पर ये डर्टी गेम खेलने की कोशिश करता है, उनकी पर्सनल चीज़ें और उनकी जो आपस में एक क्लोज ट्रस्ट के फैक्टर में जो बात हुई थी उसको पब्लिकली करके सामने वाले को डाउन करने की, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है, या फिर पर्सनल चला जाएगा, जैसे कि अरुण भाई के केस में उसकी बीवी पे चला जाता है बार बार। तो उससे ज़्यादा इस लड़के में, जोकर में कुछ है नहीं, ना उसमें दम है कि मुनव्वर के कभी भी फेस पे जाके उससे लड़ सकता है, बस ये पीठ पीछे चुगलियाँ ही कर सकता है और कुछ भी नहीं। इसके बाद आज के एपिसोड में आपने देखा कि जोकर की मनाड़ा के साथ भी फाइट होती है, मनाड़ा इसको सुनाती है काफ़ी। एक बात काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये फैलाया जा रहा है कि मनाड़ा चोपड़ा ने ये झूठ बोला कि उसने कन्फेशन रूम वाले में नॉमिनेशन में उसको नॉमिनेट नहीं किया था जोकर को। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मनाड़ा ने पूरा सेंटेंस क्या बोला था कि हाँ, मैंने तुझे नॉमिनेट नहीं किया था, मैं इतनी ही ऑनेस्ट हूँ जितना तू है। उसने जब जोकर ने पूछा कि सच सच बता, तो ऑनेस्टली बोल रही है कि तूने मुझे नहीं नॉमिनेट किया था, तो उसने बोला हाँ उतना ही, एज ऑनेस्ट एज यू आर। इसका मतलब मनाड़ा ने एक्सेप्ट कर ही लिया कि उसने नॉमिनेट किया था, लेकिन हाँ फर्स्ट इंस्टेंस में उसने डिनाई किया, लेकिन फिर बाद में उसने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया। तो वहाँ पे आप मनाड़ा को गलत सही जज कर सकते हैं, गलत तो थी ही, जितना टाइम तक उसने जोकर के साथ दोस्ती रखी थी उतने टाइम तक वो मुनव्वर के बारे में बिच करती थी, मुनव्वर के बारे में सबसे ज़्यादा बुराई करती थी, उस समय मनाड़ा चोपड़ा 100% गलत थी। लेकिन इधर 2-3 दिन से, इस हफ्ते जो गया है, इस हफ्ते मनाड़ा चोपड़ा सही रही है, मुनव्वर के साथ भी वो सबसे दिल से वही खड़ी रही है, वही एक लड़की है जिसने मुनव्वर का एक भी मजाक नहीं उड़ाया, उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे डबल डेट और इन लोगों के लेके, तो उसने पीठ पीछे एक बात करी जबकि रूम में अंकिता चिंटू ये लोग थे, लेकिन उसको आप बिचिंग नहीं कह सकते, उसको आप एक बोल सकते हैं कि क्यूरियोसिटी के टर्म में आप रख सकते हैं कि हाँ उसके माइंड में कुछ सवाल थे जिसको लेके उसने डिस्कस किया। उस एक इंसिडेंट को छोड़ के जिसको आप चुगली के टर्म में आप काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके अलावा ओवरऑल वो मुनव्वर के साथ ठीक रही है। इस हफ्ते उसके कंडक्ट को हम गलत नहीं कह सकते, मनाड़ा चोपड़ा की इस हफ्ते के कंडक्ट को। उसके बाद फिर ये ऐश्वर्या शर्मा जो है वो आ जाती है मुनव्वर से लड़ने। मुनव्वर ने बहुत बेहतरीन, इश्तों में किसी ने भी इतने अच्छे से ऐश्वर्या और नील का गेम को डिकोड नहीं किया होगा जितना कि मुनव्वर ने एकदम क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में डिकोड करके बता दिया कि ऐश्वर्या और नील की सिर्फ उनके साथ ही बॉन्डिंग होती है जिसकी विकी और अंकिता से दुश्मनी होती है। जिनका भी विकी और अंकिता के साथ लड़ाई हो गया, उनके साथ नील और ऐश्वर्या उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि इनका गेम सिर्फ और सिर्फ अंकिता और विकी की बिचिंग करना है, उसके अलावा नील और ऐश्वर्या का कोई भी गेम नहीं है। और मुनव्वर का नॉमिनेट करने का सिर्फ ये रीज़न नहीं था कि उससे बात नहीं होती या बात कम होती है, मुनव्वर का नॉमिनेट करने का एक बड़ा रीज़न था कि जो स्टैंड अप का शो हुआ उसमें भी ऐश्वर्या नहीं आई थी, और मुनव्वर जो इतना फूट फूट कर रो रहा था वहाँ पर नील गया था पूछने उससे, नील उसको संभालने गया था, लेकिन ऐश्वर्या एक बार भी एज ए ह्यूमन भी नहीं पूछने गई थी कि तू ठीक है नहीं है मत रो या कुछ भी, एकदम कोल्ड बिहेवियर था। तो मुनव्वर का ऐश्वर्या को नॉमिनेट करना बिल्कुल सही था। उसके अलावा आज के शो में एक और अच्छा मोमेंट था जब मुनव्वर गया कंसोल करने मनाड़ा चोपड़ा को, उसको हग किया और बोला कि कोई बात नहीं, यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस। और उसके बाद मुनव्वर ने ये बात भी बोली कि मनाड़ा याद कर 100 सुनार की 1 लोहार की। इससे मुनव्वर फारूकी ने यह भी क्लियर कर दिया कि कल उसने जोकर को नॉमिनेट किया मुनव्वर ने, तो उसने मनाड़ा को जो धोखा दिया जोकर ने उस बात का ही बदला लिया था मुनव्वर ने, और उसने अपनी तरफ से मुनव्वर ने दोस्ती दिखा दी कि तुझे अगर जोकर ने धोखा दिया तो मैंने उसी से मुझे मौका मिला, मैंने बदला ले लिया तेरे बिहाफ में। तो ये जेस्चर भी हमें मुनव्वर का अच्छा लगा। मुनव्वर दोस्तों का दोस्त तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, सामने वाला जब तक उसको धोखा नहीं देता तब तक वो अपनी तरफ से दोस्ती निभाने की पूरी कोशिश करता है। और आपको हो सकता है कि अभी जो प्रोमो आया है उसको देख के लगे कि मुनव्वर और मनाड़ा के बीच में झगड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको फिर बाद में आपस में बैठ के आज सुबह में दोनों बैठ के मुनव्वर और मनाड़ा सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं, तो ऐसी कोई झगड़े वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो आयशा आई है उसको मनाड़ा चोपड़ा से प्रॉब्लम है, वो बहाने ढूंढ के उससे लड़ना चाहती है मनाड़ा से, और ये लड़ाई अभी कंटिन्यू होगी, चलेगी, क्योंकि मनाड़ा चोपड़ा का एक ओवरली पॉजिटिव नेचर तो है ही, अपने दोस्तों को वो किसी और के साथ बांटना बिल्कुल नहीं चाहती। तो इस चक्कर में मनाड़ा और आयशा की झगड़ा होगी, मुनव्वर भी उसमें पिसेगा, तो मुनव्वर का भी झगड़ा मनाड़ा से हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी तक जो प्रोमो में दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा बड़ा झगड़ा नहीं है, इन दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट है, और आज जो दिन भर लाइव फीड हमने देखा है उसमें दोनों कॉर्डियल ही हैं, ऐसी कोई झगड़े वाली बात बिल्कुल नहीं है।
इनफैक्ट आपस में काफ़ी 15-20 मिनट तक साथ में बैठ के दोनों ने अकेले बात भी किया है, तो सब कुछ सॉर्टेड है, अभी ऐसी कोई झगड़े वाली बात नहीं है। इन सब के बाद जो है कैप्टेंसी का टास्क स्टार्ट होता है। कैप्टेंसी का टास्क में आपने देखा कि अंकिता लोखंडे जो दिन रात गाना गाती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत दिल से खेलती हूँ, मैं बहुत फेयर खेलती हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं सच्चाई की मूरत हूँ, सारे मुखौटे अंकिता लोखंडे के इस गेम में निकल गए। वो आज कोई स्ट्रांग लेडी की तरह नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकी जैन की पपेट की तरह लग रही थी। विकी जैन ने जैसा उसको नचाया वैसा अंकिता लोखंडे नाची और सारी मोरालिटी और फेयरनेस को छोड़ के उसने कम्प्लीटली चीटिंग किया गेम में, और उस चीटिंग के बल पे ही वो टास्क को जीत पाई। हालांकि मुनावर का बहुत बड़ा सपोर्ट था, मुनावर के सारे दोस्त मनारा, आयशा, अंकिता, विकी, चिंटू और आपका जो कोरियन है औरा, ये सारे के सारे उस टीम बी में थे। तो मुनावर का एक खुद से अंदर से भी वो वही चाहता था कि वो जीते, पर मुनावर ने अपनी तरफ से फेयर रहते हुए उसने ट्राई किया कि हाँ अंकिता की चोरी को भी उसने कॉल आउट किया, उसने विकी जो बीच में समझा रहा था उसको भी कॉल आउट किया। तो मुनावर अपनी तरफ से बस टास्क का रिजल्ट चाहता था और उसके लिए हाँ अंदर से तो ऑब्वियसली फीलिंग होगा कि मेरे दोस्तों में से कोई एक बन जाए। तो टीम बी जीतती है। टीम बी जीतने के बाद वो लोग आपस में जो है कि डिस्कशन पे एक आपसी सहमति पे नहीं आ पा रहे थे, वहाँ पे भी मुनावर ही पूरे शो को चलाता है, वहाँ पर भी मुनावर ही आपसी सहमति बनवाता है लोगों को, ईशा को और सबको बोल बोल के कि टास्क कैंसिल हो जाएगा, किसी तरह कर लो, हिपोक्रेट मत बनो, जब पहले तुमने एक को वोट दिया था तो फिर वापस वोट क्यों पलट रहे हो। ये सारी बात बोल के मुनावर आपसी सहमति करवा देता है और ईशा मालवीय कैप्टन बन जाती है। हालांकि हमें ये लगता है कि बिग बॉस नहीं चाहता था कि कोई कैप्टन बने, बिग बॉस या तो कोई कैप्टन बिल्कुल नहीं बनाते या तो मुनावर को ही कैप्टन कंटिन्यू करते, क्योंकि बिग बॉस ने जब आपसी सहमति कह दिया तो आज तक के हिस्ट्री में तो नॉर्मली यही होता आया है पिछले सीजन्स में कि आपसी सहमति नॉर्मली नहीं बन पाती है, मेजॉरिटी हो जाती है। अगर बिग बॉस को टास्क कंप्लीट करवाना होता तो मेजॉरिटी बोलता, लेकिन आपसी सहमति कहने का मतलब यही था कि आपसी सहमति ना बने और बिग बॉस मुनावर को ही कैप्टनशिप कंटिन्यू करने को बोले या फिर कोई कैप्टन बनाए ही नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि मुनावर फारूकी से एक जजमेंटल एरर हुई, उसने आपसी सहमति करवा दिया। अगर वो मनारा को बोल देता कि तू डटे रह, आयशा को भी बोल देता डटे रह, तो वो लोग डटे रह जाते, पर वहाँ पे आपसी सहमति करा दी और ईशा मालवीय अल्टीमेटली कैप्टन बन जाती हैं, जो कि कैप्टनसी के बाद आप देखेंगे कल के एपिसोड में जितना दिखाया जाएगा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट और रूड हो चुकी हैं, उनके बिहेवियर में बहुत ही एक ड्रास्टिक निगेटिव चेंज आपको दिखेगा। तो ये डिसीजन जो है हमें लगता है कि गलत था, ईशा के नाम पे लोगों को नहीं मानना चाहिए था, मुनावर को नहीं मनवाना चाहिए था, वो खुद कैप्टन बना रह सकता था अगर उसने आपसी सहमति नहीं होने दी होती तो। उसके बाद जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया तो फिर से जोकर को ज़बरदस्त बिग बॉस ने धोया और मनारा चोपड़ा को एक बार फिर से जोकर से दूर करने की कोशिश की गई। हालांकि अब कल वीकेंड की बार की शूटिंग है, कल जोकर जाता है या नहीं वो देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि क्रिसमस का बहाना करके किसी को एलिमिनेट ना किया जाए, लेकिन अगर जोकर को सबसे कम वोट आए तो जोकर को 100% बिग बॉस एलिमिनेट कर देगा। क्योंकि ये बात आप लिख के रख लीजिए कि जोकर को बिग बॉस फिनाले तक लेके नहीं जाएंगे, आज न कल उसको एक स्टेज आएगा जहां पर कि अगर वोट्स के आधार पर जोकर बाहर नहीं गया तो हाउसमेट्स से वोटिंग करा के जोकर को बाहर बिग बॉस पहले ही निकालेगा। ये 100% श्योर है, जोकर फिनाले नहीं पहुंचने वाला, ये तो गारंटेड है। तो बस यहीं पे एपिसोड एंड हुआ। लास्ट में थोड़ा सा दिखाया गया मनारा चोपड़ा ब्रेकडाउन होती है, उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है, बार बार जो है जोकर से कहा जाता है मुझे दूर रहने के लिए, मैं फिर से क्यों बात कर लेती हूँ, फिर से उस पर क्यों ट्रस्ट कर लेती हूँ, और ये सोच के वो थोड़ा सा गिल्ट में जाके रोती है। उसके अलावा फिर कल आप देखेंगे वो मुनावर से इस बात पे गुस्सा होती है कि मुनावर ने पब्लिकली उसको हिपोक्रेट क्यों बोला। जायज है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, पर उसका गुस्सा होना जायज है, पब्लिकली मुनावर को उस तरह से चिल्ला के हिपोक्रेट नहीं बोलना चाहिए था। पर बदले में 2-3 बार मनारा ने भी टॉन्ट मार दिया था तो हिसाब बराबर हो जाता है, इस बात को इतना ड्रैग करने का कोई मतलब नहीं था। मेन मनारा को इशू ये है कि मुनावर के लिए एक और नई दोस्त आ गई है, मुनावर अब ज़्यादा बिजी आयशा के साथ रहने लगा है और मनारा इन वे घर में काफ़ी अकेली हो गई है, उसका अब कोई दोस्त नहीं है। तो मेन उसके डिप्रेशन और जो भी उसके टेंट्रम्स हैं उसके कारण ये हैं, पर एनीवे इन दोनों के बीच में ये चलता रहेगा। इतना आसानी से इनकी जो दोस्ती है वो टूटने वाली हमें लगती नहीं है कि मनारा और मुनावर की ऐसी ही एक दूसरे के बारे में खिटपिट करते रहेंगे, लेकिन शो के इन तक हमें लगता है कि ये दोस्ती ठीक ठाक होके ही इस घर से बाहर निकलेगी। देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं होता है वो तो समय बताएगा।
बाकी और आज के एपिसोड में बात करने का कुछ है नहीं, कल वीकेंड का वार की शूटिंग है। जो जो अपडेट्स हमारे पास आएगा हम ट्विटर पर और यूट्यूब पर कोशिश करेंगे उसको डालते रहें। बाकी कल का एपिसोड तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत बोरिंग होगा, क्योंकि कल और आज घर में कोई एक्टिविटी हुई नहीं है जिसको एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो ऐसे ही लोगों की गॉसिप्स और बिचिंग सिर्फ दिखा के एपिसोड बनाया जाएगा। तो कल का एपिसोड बोरिंग होगा, लेकिन वीकेंड के वार पे क्या होता है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मुनावर की तो क्लास लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि उनका तो फेवरेट टॉपिक है। मुनावर के बिना टीआरपी आती नहीं है, तो मुनावर तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा और मुनावर निगेटिवली ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको तो बहस करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर मेकर थोड़ा भी फेयर होना चाहते हैं तो उनको आयशा का भी जो हिपोक्रेसी है, वो बार बार जो वो ब्लैकमेल कर रही है मुनावर को और बाहर से ऐसा दिखा के आई जैसे कि मुनावर ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, पता नहीं क्या ही कर दिया उसके साथ, और अंदर जाके जो बीवी बन के घूम रही है मुनावर की, ये चीज़ जो है मेकर्स को हिपोक्रेसी कॉल आउट करनी चाहिए और थोड़ा सा मुनावर को इनडायरेक्टली हिंट देना चाहिए कि भाई तूने कोई ऐसा पाप नहीं किया है, तू आराम से सिर उठा के घर में रह और गेम को मेरिट के हिसाब से खेल, किसी गिल्ट वाले फीलिंग के हिसाब से बिल्कुल मत खेल। तो देखते हैं वीकेंड के वार पे क्या होता है। आज के वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल के एपिसोड के डिकोडिंग में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।